इसका तो आज बता के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। जब देखो जब पानी डालते रहती, एक तो नूरी घर छोड़ के भाग गई और तुम्हें को पानी पानी कर दी। तेरा काम क्या खाली पानी डालने का है क्या? तेरे से बात कर रहा हूँ। अरे कौन तो भी है, ये ले ये ले, कोई डाल ले तो देख, ले ले और ले, डाल पानी पूरा ठंडी बटला डाल ले, ये ले और ले, अल्लाह और ले और ले, ला बकेट भी डाल दे और भी है तो दे, तेरा काम पानी डालने का है ना, जाओ डाल छोड़ दो इसको, आगे छोड़ दो इसको, छोड़ दो। संभालो संभालो अभी, जरा मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? वो नूरी भाग गई। हाँ? किसके साथ? उसकी अम्मा के साथ। उफ, इसमें इतना परेशान होने क्या बात, कई मेहमान गए होंगी, आ जाएगी दो चार दिन में। ये क्या सिर्फ खुदाफिस, आगे पीछे कुछ भी नहीं? अरे मैडम, उसको पढ़ने लिखने नहीं आता था। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे स्वीट बॉक्स स्वीट बॉक्स, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। रुक जाना, इन्हें अरमानों पे पानी डाल देती है। अरे बस हो जाता था, मेरे को एकदम छोड़ के चले गई, खुदाफिस का लेटर मेरे हाथ को लेके गई, मेरे को कितनी तकलीफ होना, मेरे प्यार को समझ रही थी नूरी, मैं उसके खातिर दुबला हुआ। अरे ब्लैकबेरी, नूरी भाग गई बोल के इसको मालूम हो गया शायद, इस वास्ते भाई के जख्मों पे नमक छिड़कने को आया ही नहीं। प्यार का तफा तेरा ना है जीवन मेरा। चला चला, माँ के कंगले मारू, हमेशा नए कपड़े, कभी एक टी शर्ट भी नहीं दिलाया मारो की इतवार के बाजार से। लास्ट ईयर चांद रात को दिलाया से भूल गया। बड़ों को सलाम छोटों को दुआ, बोला चला माफ करो दिल का मैल साफ करो। चल चल जल्दी जा, मैं नहीं चाहती दीदी। जा ना। अरे ये क्या तो भी हो रहा, कोई भी अच्छा काम घर की औरत बेटी से कराना कहते, ये लो बार 200। ये किस खुशी में बाबा? अरे बहुत जल्दी मेरी शादी होने वाली है। उस्ताद तुम्हारी बर्बादी हो रही, उसकी शादी हो रही। उसके मुंह पर मार ले जाकर वो उजाड़ सड़ी हुई मिठाई, हमारी जिंदगी में जहर घोल के माठी मिला, लड्डुआ बांटते फिर रहा, इसके मुंह में मट्ठी पड़ो। अरे खाला, अमेरिका जापान पे इतना बड़ा बम फोड़ा मगर उन्हें सब कुछ भुला दिया, आप हमारी छोटी चुटपुटी भी नहीं भुला रही। सही बात है, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। नहीं, ये मिठाई में जहर है, ये मिठाई में जहर है, ये गौरी की चाल है, इसमें जहर मिला के लाया गौरी, नादरा को खिला दे राजी, अल्लाह अल्लाह, ये मिठाई में, मिठाई में जहर, जितना मोटा जिसम उतनी मोटी अखल। गौरी भाई तुम कुछ भी कर सकते, इसलिए पहले ये मिठाई तुम्हारे पट्टों को खिलाओ। इले रेखा, अरे इसको काय को खिला रहे जी, इसको क्या मालूम, इन्हें तो भपा फहरा है। तू का फिर? अरे मैं ना तो भैरा हूँ ना तो बेवकूफ हूँ, मैं नहीं खाता। अरे जलील मेरी इज्जत कहीं को निकाल रहा, खा मिठाई। अरे तुम्हारा कोई भरोसा है? इससे पहले रातों को कुत्ते पुकारे तताए तो तुम जो है चिचड़ों में जहर मिला के खिला दिए। देख लिए तुम लोग, इसका सग्गा पट्टा खुद इस पे भरोसा नहीं करता। कौन सी मिठाई खाओ रे इसमें से, मैं बोल कौन सी मिठाई खाऊं? ये देख मैसूर पाक, ये देख चमचम, बोल कौन सी खाऊं बोल। कोई खाओ ना कोई खाओ, अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपनी खुशी में कोई कमी नहीं होने वाली। चल रहे हल्लो जी, देखो तेरे को मालूम है खौरी किससे शादी के ख्वाब देख रहा है? मुझे क्या पता, वो तेरे से शादी के ख्वाब देख, इस गुंडे से। ये गुंडे से शादी करने मेरे माँ बाप कब राजी हो ना, वो तो मुझ पे छोड़ दे। ये जालिम दुनिया में मेरे को अकेला छोड़ के कहाँ चले गए नूरी, तुम कहाँ चले गए?
शायद तुम्हारे कोई आंसू की कीमत नहीं मालूम, मेरा नूर मुझसे अलग हो गया। या अल्लाह, आई लव यू नूरी, आई लव यू। मैं मुस्कान को बोलूंगा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। तो मुस्कान बोलेंगी, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया रूप इसमें तेरा। उस्ताद, ये आशिकी में जेब के पैसे भी जाते और बदले में आंसू भी मिलते। ये आंसू मेरे कभी खाली नहीं जाएंगे, मेरी नूरी मेरे पर लौट के जरूर आएगी, देखना इंशाल्लाह। आई लव यू नूरी, आई लव यू। ये वक्त न खो जाए, बस आज ये हो जाए, मैं तुम समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। तो मुस्कान बोलेंगी, थोड़ा सा ठहरो, करती हूँ तुमसे वादा, पूरा होगा तुम्हारा इरादा, मैं हूँ सारी की सारी तुम्हारी, फिर काहे को जल्दी करो। उस्ताद, तुम ऐसा रो रो के मर गए तो हम लोगों का क्या होगा? अरे पत्थर के पुतलो, जब दिल टूटता ना तो यहाँ पर बहुत तकलीफ होती रहे। आई लव यू नूरी, आई लव यू। और लास्ट में मेरी मुस्की बोलेंगी, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। मैं बोलूंगा, ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। कजरा लगा के बिंदिया सजा के मैं मिला के जइयो ना, मैं मिला के निंदिया उड़ा के जइयो ना, कजरा कजरा। आज तेरे हाथ से एक जबरदस्त गुलाब का फूल दे, उसकी बरकत से मेरा सहरा जल्दी तैयार हो जाना। किसको देना है ये भी बोल दो। अब तू तो घास ने डाली, एक जबरदस्त जगह टाका फिट हो गया अपना, उसके वास्ते होना। किसकी किस्मत फूटी? कुछ बोली क्या तू? कुछ नहीं, ये लो। अब शादी का सेहरा भी तेरे कुछ बनाना है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तरह। क्या वक्त में सफर कौन करते रहता है दीवाना मन दीवाना। वो देख मैं गिराक देख गिराक बैठ ना, गिराक बोलते देख हो गई बाबू, ये जो है आई ना कुछ खबर मेरी यार की। अरे आ गई यहाँ, कबाब में हड्डी कोई कुछ साथ लगी। हेलो हरी, आइए बैठिए, बहुत देर कर दिया आप लोग। हम देर नहीं करे, आप जल्दी आ गए। आजकल वक्त का पता ही नहीं चल रहा। ऐसा, ये मेरी सहेली नादरा है। ये आप दोनों के वास्ते मंगाया था, मेरा गला खराब। चल रही, थैंक यू। और ये आपके वास्ते। ब्यूटीफुल, शुक्रिया। अच्छा, मेरी सहेली कैसी लगी आपको? अरे सहेली की क्या बात कर रहे, आपसे जुड़ी हुई हर चीज पसंद मेरे को। अगर जैसा चाहे सब वैसा हो गया तो चट मंगनी और पट ब्याह। बिल्कुल, मैं तो शादी खाने और मरफे का बंदोबस्त भी कर लिया। अरे वाह, ये हुई ना कोई बात, बहुत जल्द हमारे घर आए आपकी बारात। मैं तो तैयार हूँ सहरा और घोड़ी के साथ। दीदी अब हमें चलना चाहिए। हाँ चल, ठीक है अब हम लोगों को चलना चाहिए। इतनी खुशियाँ बारात की शक्ल में एक साथ आ रही, कहीं खुशी के मारे मेरा दम तो नहीं निकल जाएगा। ऐसी बातें नको करो, देखो आपकी बातें सुन के नादरा का चेहरा कैसे उतर गया। मरने का तो सोचना ही नहीं है, अब तो शादी की तैयारी करना है। अरे रहने दो आप, बिल मैं दे दो, पहली बार सही जगह पे पैसे खर्चा हो रहे मेरे। अच्छा चलो ठीक है, बाय। गौरी अच्छा आदमी है, उसे सही गाइड करने वाला नहीं मिला,
अब तुझसे शादी हो जाएगी तो तू उसे संभाल लेना, ठीक है? मगर गौरी जैसे गुंडे माठी मिले से मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं कराऊंगी। मगर बिल्कुल सांटी, अक्सर शादी के बाद गुंडे सुधर जाते हैं। मगर हम ही चाहिए तजुर्बा कई को करना। अगर आप लोग ऐसे जिद लगाएंगे तो फिर नादरा की शादी कैसे होगी? इसका मतलब ये है कि मैं अपनी एक लूती बेटी को किसके भी पल्ले बांधू? अरे मेरे खानदान वाले क्या बोलेंगे? आपके खानदान में दर्जनों लड़के पड़े लेकिन आज तक कोई आया नादरा का हाथ मांगने? मुस्कान सही बोल रही, ऐसे खानदान वाले जब हमारे दर्द बांटने नहीं आते तो ऐसे खानदान की कई को परवाह करना? दीदी मैं अपने बड़ों के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकती। देखो आंटी, जवान बच्ची है और माहौल अच्छा नहीं है, अगर जज्बात में आकर कोई कदम उठा ले तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो बेटी तेरे को यह रिश्ता मंजूर है? मगर ये भी तो मालूम होना चाहिए गौरी शादी के लिए तैयार है भी या नहीं। वो हम सब तय कर लिए। आजकल की लड़कियां भी कैसी हैं, अपना जुलवा आप डाल लेती हैं, बाद में बड़ों को बताती हैं। मुबारक आपा अम्मी।